Hi guys, welcome to House Garage. Right behind me is the Mahindra XUV 700. So this is the base variant, the MX variant, and today I am here at NR Autos Mahindra. अगर आपको Mahindra का कोई product check करना, you can come down here and check out the products. Now let's start with the video. Hi guys, welcome to House Garage. Right in front of me, Mahindra XUV 700. तो ये सबसे base variant है. Okay. So here is the car. इसको रखा कुछ इस तरीके से गया है. Very fancy. सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको engine bay दिखा देता हूँ. सो द बोनेट इज एब्सोल्युटली हैवी. यहाँ पे आपको 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको देख जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 197 पीएस ऑफ पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. सो इंजन में यहाँ पे पूरा ऐसा भरा हुआ है, आपको थोड़ा भी ऐसे गैप वगैरह नहीं दिखेगा. ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया एंड द बोनेट इज एब्सोल्युटली हैवी, बहुत ही ज्यादा हैवी है बोनेट. सो अभी बंद करता हूँ मैं इसको एंड सो दिस क्लोजेस विद अ नाइस थर्ड. तो सामने आपको यहाँ पे महिंद्रा एक्सयूवी 700 का हेडलाइट दिख जाएगा, सिग्नेचर हेडलाइट, जो कि काफी अच्छा दिखता है. बट आपको यहाँ पे कोई DRL वगैरह कुछ नहीं मिलता. एंड ये जो है ना अपर एंड डिपर, ये आपको दोनों हेलोजन सेटअप मिल जाता है. एंड यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट दिख जाएगा, वो छोटा सा यहाँ पे दिया गया. ऑलराइट, सो यहाँ पे नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाता है इधर. सो दिस इज द हेडलाइट सेटअप. ये सबसे बेस वेरियंट है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाता है आपको. नीचे यहाँ पे आपको ये नॉर्मल ऐसे प्लास्टिक वगैरह दिया गया है. यहाँ पे थोड़ा सा आपको कार्बन फाइबर फिनिश दिख जाएगा. दिस इज द फ्रंट बम्पर, कुछ ऐसा दिखता है. सामने का फ्रंट ग्रिल जो है ना, ये आपको सेम टॉप एंड वेरिएंट जैसा आपको दिख जाएगा सामने का फ्रंट ग्रिल. एज यू गाइस कैन सी, महिंद्रा का न्यू लोगो कुछ ऐसा दिखता है ये सामने से ये कार. एंड बोनेट इज क्वाइट मस्कुलर, आई वुड से काफी मस्कुलर दिखता है ये बोनेट, एज यू गाइस कैन सी. एंड वन गुड थिंग अबाउट दिस कार इज, यहाँ पे जो ये वाइपर दिए गए ना, ये आपको यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है. वाइपर इज ऑफ गुड क्वालिटी, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के वाइपर आपको दिए गए. विंडस्क्रीन इज मैसिव. साइड फेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फेंडर में ना क्लाइडिंग मिल जाता है, विच इज रियली गुड. एंड यहाँ पे आपको बड़े बड़े टायर्स मिल जाते हैं. सो द सेक्शन ऑफ द टायर हेयर इज 235/65R17 इंच. एंड यहाँ पे आपको MRF वॉन्डरर का टायर दिया गया है. हालांकि यहाँ पे जो व्हील्स है ना, जो रिम्स है, ये आपको स्टील रिम मिलता है. एंड अंदर आपको यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद ABS. सो दिस इज द कार. एंड ये कुछ आपको ऐसा मिल जाता है. ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर आफ्टर मार्केट ऑप्शन एज वेल. उधर आपको सस्पेंशन का सेटअप देख जाएगा. यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आपको देख जाएगा कुछ ऐसा है, फोम टाइप का थोड़ा सा मटेरियल है, तो कि ये रोड नॉइस को ना काफी हद तक एलिमिनेट कर देगा. सो फेंडर कुछ ऐसा है. एंड ORVM जो है ना, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है. एंड दिस इज फिनिश्ड इन ब्लैक कलर, सो कुछ ऐसा दिखता है, LED है पूरा. एंड आपको यहाँ पे साइड स्टेप मिलता है, आई गेस दिस इज एन एक्सेसरी. डोर हैंडल वो आपको पूरा ऐसा टॉप एंड वेरियंट जैसा दिख जाएगा, बट यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता. एंड विंडो ग्लास काफी बड़ा है इसका, मिरर भी काफी बड़ा है. यहाँ पे आपको देखेगा ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको, रेन वाइजर वगैरह, ये सब कुछ आपको एक्सेसरी मिलता है. ऊपर आपको वहां पे जो दिख रहा है रूफ रेल्स, वहां पे वो इट इज नॉट फंक्शनल, बट यू गेट अ रूफ रेल. एंड इधर आपको ये साइड का डोर पैनल कुछ ऐसा दिख जाता है. मेरा यहाँ पे बेस्ट पार्ट जो लगता है ना XUV 700 के बारे में, उसका डोर हैंडल काफी प्रीमियम दिखता है. एंड साइड रियर डोर कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी दैट शोल्डर लाइन ओवर देयर, वहां से कर्व होता है, सो इट लुक्स रियली गुड. बी पिलर इज इन ग्लॉस ब्लैक, तो मतलब अगर आपने यहाँ पे अलॉय व्हील्स वगैरह चेंज कर दिया, हेडलाइट वगैरह चेंज कर दिया ना, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बेस मॉडल है. तो यहाँ पे बी पिलर यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, सी पिलर भी आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में दिया गया. सो दिस इज हाउ द कार लुक्स. ग्लास एरिया इज वेरी बिग. पीछे का डोर हैंडल भी कुछ ऐसा दिया गया, सो काफी अच्छा दिखता है, काफी प्रीमियम दिखता है. एंड यहाँ पे है पीछे का टायर, सो यहाँ पे आपको सेम MRF Wanderer का टायर मिलता है. बट द गुड पार्ट अबाउट दिस कार इज, आपको यहाँ पे पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड. एंड इंसुलेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर एज वेल. अभी चलते हम लोग कार के पीछे, तो यहाँ पे आपको ये टेल लाइट दिख जाएगा, विच लुक्स रियली गुड, काफी अट्रैक्टिव दिखता है. एंड आपको यहाँ पे LED टेल लाइट मिलता है, सो इट लुक्स रियली 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 फैंसी. इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलता है, ये रिवर्स लाइट आपको हैलोजन मिलता है. अगेन XUV 700 इज रिटन ओवर देयर, एज यू गाइस कैन सी. एंड नीचे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और रिवर्स कैमरा एज वेल. महिंद्रा का लोगो यहाँ पे है. एंड आपको यहाँ पे आई गेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट मिल जाता है, सो कुछ इस तरीके से खुलता है. एंड एज यू गाइस कैन सी,
द बूट स्पेस इज ह्यूमंगस। ये 5-सीटर वेरियंट है बट उसके हिसाब से ना यहाँ पे इज अ प्लस पॉइंट कि यहाँ पे बूट स्पेस आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। जो लोग काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है बिकॉज यहाँ पे लगेज स्पेस काफी ज्यादा हो जाता है। बट यहाँ पे देयर इज अ थिंग, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए दोनों साइड में एंड यहाँ पे आपको सब वूफर के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। आई डोंट नो इफ देयर इज सब वूफर इनसाइड और नॉट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये आपको स्पेयर व्हील किट मिल जाता है एंड यहाँ पे नीचे और भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, दैट इज रियली गुड। एंड उधर एक आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। एज यू गाइस कैन सी, इधर एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट एंड ये ग्लास एरिया भी काफी अच्छा दिखता है, रियर ग्लास। एंड देयर इज वन मोर थिंग, पीछे का जो ग्लास है ना यहाँ पे आपको कोई डिफॉगर वगैरह कुछ नहीं मिलता। सो दिस इज इट एंड आपको अभी दिखा देता हूँ ऊपर आपको क्या है। सो यहाँ पे डिफॉगर वगैरह कुछ नहीं मिलता। हाई स्टॉप टेल लाइट, ये आपको LED मिल जाता है यहाँ पे एंड ये दिखता है स्पॉयलर जैसा बट ये कोई मतलब स्पॉयलर नहीं है। एंड साइड में आपको ये दिया गया, सो इट लुक्स रियली फैंसी। सो दिस इज द कार, इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार, कुछ ऐसा दिखता है ये। एंड फ्यूल लिड जो है ना यहाँ पे आप वन टच से ओपन कर सकते हो, सो दैट इज अ रियली गुड थिंग। मतलब बेस वेरिएंट में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो इट लुक्स रियली फैंसी। तो आपको एक बार नीचे से दिखा देता हूँ ये कार कैसा है। सो दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड, इसको रखा काफी फैंसी तरीके से गया, सो इट लुक्स रियली गुड। एंड अभी चलते हम लोग कार के अंदर। सो गेटिंग इन साइड दिस कार इज अ टास्क, वाई, बिकॉज इसको रखा इसी तरीके से गया। तो अभी अंदर जाने से पहले मैं आपको डोर ट्रिम दिखा देता हूँ। डोर ट्रिम यहाँ पे बेस मॉडल है उसके हिसाब से भी काफी ज्यादा फैंसी दिखता है यहाँ पे। सो यहाँ पे बेज कलर का यूज किया गया है, ऊपर आपको यहाँ पे नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर में आपको देख जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए ऑप्शन मिलता है बट यहाँ पे कोई ट्विटर दिया नहीं गया, आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्टोरेज एंड अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है। ORVM के लिए आपको कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल आप एडजस्ट कर सकते हो। विंडो के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है, सेंट्रल लॉक एंड ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए विंडो लॉक आपको मिल जाता है। डोर खोलने के लिए कुछ इस तरीके से आपको दिया गया, कोई क्रोम फिनिश वगैरह, नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश है। एंड यहाँ पे हल्का सा आपको सिल्वर कलर का टच दिया गया और यहाँ पे डोर हैंडल में भी, सो इट लुक्स रियली गुड। सॉफ्ट टच वगैरह आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक। महिंद्रा XUV 700 इज रिटन ओवर हियर एंड कुछ ऐसा दिखता है। फिट एंड फिनिश इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, कोई यहाँ पे शिकायत करने की बात नहीं है फिट एंड फिनिश के लिए, इट लुक्स रियली गुड। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 पेडल दिए गए हैं, ऑब्वियसली ये मैनुअल वर्जन है बट वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड डेट पेडल मिल जाता है, दैट इज रियली गुड। और अभी चलते हम लोग कार के अंदर, उससे पहले मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट मिल जाता है एंड यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है ना उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे सीट को एक्सटेंड किया गया है, सो दैट लुक्स रियली गुड। एंड सीट कुछ इस तरीके से दिखते हैं, साइड से आपको अच्छी तरीके से हक करके रखेंगे। एंड हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, रिक्लाइनर के लिए भी आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है, आगे पीछे आपको यहाँ से नीचे से करना है। सो गाइज नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार एंड आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या आपको इस कार में मिल जाता है। सो गाइज कार ऑन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कार का की दिखा दूंगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल बेसिक की है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक मिल जाता है एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, बट ये जो की है ना ये फ्लिप की है तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। एंड एक और चीज है, मैं आपको डोर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको की के लिए जो जगह है ना वहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे है इसका प्लेसमेंट। सो ये मैंने की को डाला अंदर, ये कर लिया मैंने गाड़ी को ऑन, तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये कार। सो दिस द कार, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बट उससे पहले हम लोग स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे ना फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि काफी अच्छा दिखता है यहाँ पे। एंड ये जो है ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर कलर का टच मिल जाता है, महिंद्रा का लोगो, जो कि मुझे काफी पर्सनली मतलब पसंद आया। यहाँ पे आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल मिल जाता है, सामने आपका है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो काफी अच्छा दिखता है आई वुड से, मुझे काफी पसंद आया। एज यू गाइस कैन सी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, उधर आपको मिल जाता है टैकोमीटर, यहाँ पे आपको बीच में एक MID दिख जाता है, उसका आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। ये साइड में यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, सेटिंग्स,
अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। सो मतलब MID है, मतलब बेस वेरिएंट ना ये कार बिल्कुल भी फील नहीं होता, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, इस साइड आपको टेम्परेचर गेज मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड वगैरह आपको मिल जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर आपको ऊपर दिख जाएगा, इधर आपको टाइम दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का आपको ऑप्शन मिल जाता है, हेडलाइट लेवलिंग स्विच। सो द डैशबोर्ड लुक्स रियली गुड, आई वुड से काफ़ी अच्छा प्रीमियम डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिखेगा। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है XUV 700 का डैशबोर्ड। मुझे पहले एक्चुअली फील हुआ था ना कि इसको एक कार से कॉपी किया गया है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट महिंद्रा ने जो भी यहाँ पे कस्टमर को दिया है ना, मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है ये। इवन द बीस वेरियंट लुक्स रियली प्रीमियम आई वुड से। सो यहाँ पे आते हैं, स्टीयरिंग के पीछे आपको लाइट्स के लिए कंट्रोल मिल जाता है, इधर इंडिकेटर वगैरह जो भी है, इधर आपको देख जाएगा वाइपर के लिए कंट्रोल्स यहाँ पे। सो रियर में कोई आपको वाइपर वगैरह नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको वाइपर के लिए कंट्रोल मिल जाता है सिर्फ फ्रंट के लिए। एंड यहाँ पे भी आपको स्पीकर के लिए ऑप्शन मिल जाता है। सो आफ्टर मार्केट जिन भाइयों को ना इस कार में बहुत काम करवाना है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रियली नाइस कार, मतलब देखने से फील ना हो कि अरे बेस वेरियंट है, ये सब कुछ मिसिंग है इसमें, सो दे कैन रियली गो फॉर दिस कार। मुझे देख के फील नहीं हो रहा कि ये बेस वेरियंट है मेरे ऑल्टो में। आई एम कंपेयरिंग दिस कार टू माय ऑल्टो, बट मेरा ऑल्टो टॉप एंड वेरियंट है एंड ये XUV 700 का बेस वेरियंट है, बट ऑब्वियसली दिस लुक्स मच मोर बेटर देन माई कार। डोंट रोस्ट मी फॉर दिस कंपेरिजन। सो बात करते हैं अभी स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, एप्पल कार प्ले आपको नहीं मिलता। सो रेडियो वगैरह, म्यूजिक वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स वगैरह में अगर मैं चले जाऊँ यहाँ पे, सो एक बार आपको थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जनरल सेटिंग, डिस्प्ले, डेट, टाइम, ऑडियो, यूजर इनपुट एंड फीडबैक, व्हीकल, बाकी सब कुछ, टच साउंड वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। होम में अगर मैं चले जाऊँ, यहाँ पे फ़ोन, म्यूज़िक, एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपको इको सेंस, महिंद्रा इको सेंस आपको मिल जाता है यहाँ पे। सो एक बार देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह, गियर एक्सेलरेशन वगैरह के आपको मतलब देखा जाता है, आपको यहाँ पे स्कोर दिया जाता है आप किस हिसाब से ड्राइव कर रहे हो, रिसेंट ट्रिप वगैरह के बारे में सब कुछ आपको दिया जाएगा यहाँ पे, हिस्ट्री, ट्रिप, कितने भी आपने मतलब ट्रिप लिए हैं उसके बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो गाइज अभी मैं आपको महिंद्रा XUV 700 के बेस वेरिएंट का साउंड आउटपुट सुनाने जा रहा हूँ। सो नाउ लेट्स लिसन टू दिस ऑडियो। तो गाइज इस ऑडियो में ना मेरे को काफी मजा आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही होगा। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, उधर स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर आपको नहीं मिलता, पीछे के दोनों डोर में आपको स्पीकर मिल जाता है एंड आई गेस पीछे वो जो सबवूफर मैंने आपको दिखाया ना, उधर आपको एक सबवूफर भी मिल जाता है। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इसका ऑडियो आउटपुट ना बहुत सही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही होने वाला है। सो मतलब देखकर फील नहीं होता कि ये बेस वेरियंट है। लोग आके ना आपको पूछेंगे कि अरे ये कौन सा वेरिएंट है, X5 वगैरह, बट कोई ऐसे बता नहीं सकता कि ये बेस वेरिएंट है। सो व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग फिट एंड फिनिश इज रियली गुड, एज यू गाइस कैन सी काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश है। नीचे आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है, ओके, एंड उसके नीचे आपको एसी के लिए कंट्रोल्स मिल जाता है, आपको कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। आपको इस साइड जो है ना, यहाँ पे आपको वार्निंग के लिए दिख जाता है, ऑल राइट। सीट बेल्ट के लिए अगर आपने नहीं पहना है तो आपको यहाँ पे वार्निंग दिख जाएगा, एयरबैग के लिए वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। इधर आपको हैजार्ड लाइट दिया गया है जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है, काफ़ी प्रीमियम साउंड करता है ये। इंडिकेटर आपको दिख जाएगा, वो नीचे यहाँ पे ग्लो हो रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बाहर दिखाया था इंडिकेटर, तो ये कुछ ऐसा है। होम बटन इसके लिए एंड ये आपको ऑफ के लिए बटन दिया गया है, स्क्रीन सेवर डिजेबल्ड, ऑल राइट। सो यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलता, बट इधर ना आप देख सकते हो फोन के लिए एक स्टोरेज मिल जाता है आपको। सो काफ़ी सही लगा ये मेरे को, मतलब ऐसे फ़ोन रख दो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आप USB एक चार्जिंग मिल जाता है आपको, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड हैंडब्रेक आपको यहाँ पे दिख जाएगा,
और इधर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, इधर एक कप होल्डर आपको मिल जाता है, दैट इज रियली गुड। आर्मरेस्ट आपको दिख जाएगा, स्लाइडिंग नहीं है बट ये नॉर्मल है। अंदर नीचे आपको यहाँ पे स्पेस दिख जाएगा जो कि काफी ज्यादा है। ये की होल्डर मैंने निकाल दिया, यहाँ पे आप की रख सकते हो कार का। सो दिस इज द थिंग। एंड यहाँ पे ग्लव बॉक्स देख लेते, ग्लव बॉक्स इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। एंड यहाँ पे आपको कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपको नहीं, यहाँ पे आपको कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। यहाँ पे ऊपर एक शेल्फ दिया गया है, रियली नाइस। ये बुक को आप आई गेस यहाँ पे रख दो, सो परफेक्ट प्लेस फॉर दिस बुक। एंड ये मैंने कर दिया बंद, सो ये ना काफी सही है। यहाँ पे ऊपर आपको जो लाइट्स दिए गए एलईडी है, यहाँ पे बेस एंड में भी आपको एलईडी दिया गया। IRVM जो है मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर जो है टिकट होल्डर मिल जाता है, एंड इधर जो है ना आपको एक मिरर मिल जाता है। सो रियली नाइस मिरर, काफी बड़ा मिरर है यहाँ पे, आपको देखेगा टिकट होल्डर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक माइक का प्लेसमेंट ऊपर दिया गया। इस साइड आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता बट आपको यहाँ पे सीट बेल्ट, एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाता है, दैट इज रियली गुड। सो गाइज अभी मैं बैठा हूँ XUV 700 के बेस वेरियंट में जो की MX वेरियंट है। सो यहाँ पे अगर मैं बात कर लू ना कम्फर्ट कैसा है सीट का, सो सीट इज बहुत बड़ा सीट है यहाँ पे, मेरे बॉडी के हिसाब से बहुत बड़ा है। सो बड़ा है उसके हिसाब से मुझे स्पेस भी ज्यादा मिल रहा है बैठने के लिए, कंफर्टेबल है। एंड अंदर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है सामने की तरफ, तो अंडर थाई सपोर्ट ना काफी ज्यादा अच्छा है। एंड एक और चीज बताता हूँ, कैबिन में ना आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, काफी ऐसा एरी सा कैबिन है, विजिबिलिटी भी काफी अच्छा है, बॉनेट वगैरह आपको देख जाता है सामने का, इधर का मिरर का विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है, पीछे का हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाता है तो वो भी काफी अच्छा है। मुझे ओवरऑल ना काफी पसंद आया ये। ऊपर आपको कोई सनरूफ वगैरह नहीं मिलता बट यार मतलब जो बंदे इसको खरीदेंगे ना उनको ऑलरेडी पता है कि सनरूफ नहीं मिलता, आई गेस उनको जरूरत भी नहीं है सनरूफ की। सो दिस इज द थिंग। एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, फिट एंड फिनिश मुझे बहुत पसंद आया इस गाड़ी का। सो समवन हु इज लुकिंग टू बाय एन XUV 700 बट वो चाहते हैं कि गाड़ी उसके हिसाब से वो मॉडिफाई करे, अपग्रेड करे सब कुछ, सो दिस इज द बेस्ट कार टू बाय, आई वुड से। मतलब सब कुछ बहुत प्रीमियम फील होता है। एंड नाउ लेट्स गो टू द रियर सीट एंड वहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या मिलता है आपको। सो गाइज अभी चलते हैं इसके मिडिल रूम में, मैंने दरवाजा पहले ही खोल लिया बिकॉज गेटिंग इन साइड दिस कार इज अ टास्क बिकॉज इसको रख के इस तरीके से गए। सो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ डोर ट्रिम। डोर ट्रिम काफी अच्छा दिखता है यहाँ पे, बेज कलर एंड यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का फिनिश मिल जाता है, काफी अच्छा। विंडो के लिए कंट्रोल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सो ये भी काफी अच्छा है। एंड बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, थोड़ा सा स्टोरेज आपको इधर मिल जाता है। XUV 700 इज रिटन ओवर हियर एंड नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार। सीट का मेरे को थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये, क्योंकि ये आपको देखेगा ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो बैठने के लिए काफी कंफर्टेबल। एंड अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात कर रहा था तो ये सामने से ना थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, सो अंडर थाई सपोर्ट इज गोइंग टू बी रियली गुड। गाइज नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार, अभी मैं ट्राई करता हूँ इसमें चढ़ने की। सो गाइज सबसे पहले आपको दिखाया था पीछे से सामने का डैशबोर्ड कैसा दिखता है। डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, काफी अच्छा दिखता है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। ऊपर आपको लाइट आपको एलईडी मिल जाता है, ऑलराइट। ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद अ हुक, ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद अ हुक, ऑलराइट। तीन आपको दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये बीच वाला फिक्स्ड है बट द गुड पार्ट इज आपको एटलीस्ट बीच में हेडरेस्ट दिया गया है, फिक्स्ड हो बट फिर भी चलेगा। सीट काफी कंफर्टेबल है, एज यू गाइस कैन सी फैब्रिक है, यू कैन गो फॉर आफ्टर मार्केट ऑप्शन, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लेदराइट सीट्स या लेदर सीट्स आप जा सकते हो, तो काफी कंफर्टेबल है, स्पेशली ये बीच वाला, इधर वाला भी काफी कंफर्टेबल है। दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको एंड यहाँ पे एक फोन रखने के लिए ऑप्शन, USB टाइप सी चार्जिंग आपको यहाँ पे दिख जाता है। फ्लोर फुल्ली फ्लैट है मैन, यू कैन सी द, यू गाइस कैन सी द फ्लोर, इट इज फुल्ली 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 फ्लैट। बहुत सही लगा यार ये गाड़ी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही होने वाला है। कुछ ऐसा है, स्पीकर के लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इधर भी आपको स्पीकर के लिए ऑप्शन मिल जाता है। एंड डोर लॉक वगैरह कुछ खुलता है ऐसे, ये मैंने आपको दिखा दिया पहले। सो काफी कंफर्टेबल स्पेस है ये, मैं आपको एक बार कंफर्ट के बारे में बता देता हूँ। सो ये जो है ना मैं अभी मिडिल रो में बैठा हूँ, पीछे आपको कोई सीट वगैरह नहीं मिलता, 5 सीट के लिए ऑप्शन है इसमें, काफी कंफर्टेबल है ये स्पेस। ग्लास एरिया काफी बड़ा है, एज यू गाइस कैन सी, क्लोस्ट्रोफोबिक मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। एंड लेगरूम वगैरह काफी सही है, अंडर थाई सपोर्ट ना इस कार का ब्रिलियंट है, थोड़ा एक्सटेंड किया गया तो वो भी काफी सही फील होता है,
बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, काफ़ी एरी है, काफ़ी स्पेशियस है, मुझे काफ़ी पसंद है। सो इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दिस कार, अगर आपने ये वीडियो देख रहा है एंड वो सोच रहे हैं कि XUV 700 का बेस वेरिएंट खरीदे या नहीं, तो वो खरीद सकते हैं इसको एंड अपने टेस्ट के हिसाब से वो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया वो मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ। सो गाइज, दैट वॉज माई रिव्यू फॉर द XUV 700 MX जो कि बेस वेरिएंट है। अगर आपको रिव्यू पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू ऑब्स गैराज।